जुसिपे मेजिनी, जुसिपे मेजिनी जो थे वो इटालियन रेवोल्यूशनरी था। ही वॉज एन इटालियन रेवोल्यूशनरी हु वॉज बॉर्न इन जेनेवा इन 1807। तो 1807 में जेनेवा में पैदा हुआ था। ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल एट द एज ऑफ 24 इन 1831 फॉर अटैम्पिंग अ रेवोल्यूशन इन लिंगूरिया। उसे एग्जाइल कर दिया गया था। क्यों एग्जाइल का मतलब देश निकाला जैसे हो जाता है, एक अपने जगह जहाँ वो रहते हैं वहाँ से उन्हें निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो वो चोरी छुपे क्या कर रहा था, यंग इटली, यंग यूरोपियन, इस तरह की सोसाइटी, रेवोल्यूशनरी सोसाइटी बना रहा था। अब क्योंकि वो गवर्नमेंट जो थी वहाँ पर गवर्नमेंट के खिलाफ था, तो इसलिए उसे वहाँ से निकाल दिया गया था। तो लिगुरिया में वो एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर रहा था, अटैम्प्ट कर रहा था। ही फाउंडेड टू सीक्रेट सोसाइटी, उन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी, यंग इटली एंड यंग यूरोप। ही इंस्पायर्ड द यंग मेम्बर ऑफ दिस सोसाइटी टू इन्वॉल्व इन रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़। वो बाकी जो लोग थे, यंग मेम्बर्स थे, उनको भी, सोसाइटी के यंग मेम्बर्स को अट्रैक्ट कर रहा था, इन्फ्लुएंस कर रहा था कि तुम भी रेवोल्यूशनरी में पार्टिसिपेट करो। फॉलोइंग हिज आइडियाज़ ऑन द मॉडल ऑफ हिज सीक्रेट सोसाइटी, मोर सच सोसाइटीज़ वर सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटर्निक वंस डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आर सोशल ऑर्डर। तो इस तरीके से उसने बाकी जगह पे उसकी जो सीक्रेट सोसाइटीज़ थी उनको, उनका मॉडल फॉलो करते करते बाकी कंट्रीज़ में भी, जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, तो यहाँ पर भी सीक्रेट सोसाइटीज़, रेवोल्यूशनरीज जो सोसाइटीज़ थी वो एक्टिव होनी शुरू हो गई थी। तो जो ऑस्ट्रेलियन चांसलर था ड्यूक मेटर्निक ने एक बार ये कहा कि द मोस्ट, ही इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आर सोशल ऑर्डर। तो उन्होंने कहा कि जोसेफ मेजिनी जो है ये हमारी जो सोसाइटी है उसका सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन है।